नमस्कार जी, स्वागत है आप सबका कपूर दी रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड चिकन, जिसमें हम कसूरी मेथी, नमक, गरम मसाला, चाट मसाला, धनिया पाउडर, काली मिर्च, देगी मिर्च, और ये हमने जो लिया है बेसन को भून लिया है, और उसमें थोड़ा सा मक्खन डाल के हमने इसकी ग्रेवी बनाई है। मक्खन, कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा मैदा, कड़ी पत्ता, अब सब हम इसको मिक्स करेंगे। आइए, हाँ जी, ये आ गया हमारा चिकन, और अब हम इसमें दही डालेंगे। ये हमने दही डाल लिया, ये धनिया पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला, देगी लाल मिर्च, काली मिर्च, कसूरी मेथी, थोड़ा सा हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है, थोड़ा सा मैदा डाला है, थोड़ा सा हमने बेसन को भुना, और इसमें हमने देगी मिर्च मक्खन में मिक्स करके डाल दिया है, ताकि इसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी और बहुत बढ़िया बन जाए। नमक, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और आधे घंटे के लिए इसको फ्रीजर में रख देंगे, ताकि मसाला सारा इसके अंदर मिक्स हो जाए, और फिर हम इसको डीप फ्राई कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हमने इसको, और अब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, और फिर हम दिखाएंगे आपको इसको हम डीप फ्राई कैसे करेंगे। हाँ जी, अब हमने गैस ऑन कर दी है, और अब हमने फ्राई पैन रख दिया है, और अब हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं चिकन को डीप फ्राई करने के लिए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, और अब हम इसमें चिकन डालेंगे, आराम आराम से डालेंगे। ऑयल हमने उतना डाला है जिसमें हमारा चिकन डिप हो जाए, और हमने गैस को मीडियम कर लिया है। ये हमारे लेग पीस और थाई का पीस है, गैस हमने सिम कर दी है, ताकि धीमी आंच पे हल्का हल्का और बढ़िया हो जाए, अंदर तक सिक जाए। इसको डिश आउट करेंगे। अब हमारा चिकन फ्राई हो गया है। टिश्यू पेपर पे हमने चिकन के पीस रख रहे हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। अब हम इसमें प्याज, लच्छेदार प्याज रखेंगे, नींबू, चिकन के पीसेस जो हमने अभी फ्राई किए हैं, थाई का फुल लेग, अब इसमें चाट मसाला डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आप तीखा नहीं खाते तो आप मत डालिए,
और इसके ऊपर हम नींबू निचोड़ देंगे। और हम प्याज के ऊपर भी थोड़ा सा चाट मसाला डाल। तो तैयार है आप सबके लिए फ्राई चिकन।